चलो एक कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें आज। इस कहानी से ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी इस एज में, 15 से 20 साल, 22 साल की एज में क्या सपने होते हैं। इफ़ यू आर ए स्कूल गोइंग स्टूडेंट, 11th 12th के स्टूडेंट्स, तो यही रहता है कि यार एक अच्छा सा कॉलेज, ड्रीम कॉलेज मिल जाए। और जब कॉलेज में आ जाते हैं या ड्यूरिंग द फेज ऑफ अटेनमेंट ऑफ दिस कॉलेज, कुछ सपने चल रहे होते हैं यार कि आज से 10 साल के बाद कि कुछ ABC ये चीज़ें हैं जो मेरे पास होंगी, ऐसा कुछ लाइफस्टाइल होगा मेरा, बीट हेल्थ, मेरी हेल्थ ऐसी होगी, या आपका जो करियर होगा, मैं करियर में इस लेवल पर पहुंच चुका हूँगा, सैलरी मेरी इतनी होगी, पर्सनल रिलेशन मेरी इस तरीके के होंगे। इस एज में हमारे पास टाइम भी है, एनर्जी भी है, एंड वी आर फुल ऑफ पैशन, पूरा डेडिकेशन हम एक चीज़ के लिए दे सकते हैं इस एज में, अनलाइक द ओल्ड एज। वहाँ पर हमारे पास टाइम है, पैसा है, बट उधर एनर्जी नहीं होती है। यूथ में हमारे पास टाइम है, एनर्जी है, पूरा डेडिकेशन है एक चीज़ की तरफ वर्क करने के लिए। तो कहानी है एक बंदे की जिसके पास ये सब चीज़ें थी जो मैंने बताई अभी। उसके पास अपना एक पैशन था, विजन था, उसके लिए वो काम करने के लिए भी बहुत डेडिकेटेड था। बट वो डायग्नोज किया जाता है एक ऐसी डिजीज़ के साथ, एंड डॉक्टर्स उसे बोल देते हैं कि तुम्हारे पास कुछ ही साल बचे हैं अभी ज़िंदा रहने के। पूरे सपने टूट गए उसके कि 10 साल बाद मैंने क्या सोचा था, ये करूँगा, वो करूँगा, एंड ऑल ऑफ ए सडन उसे बोल दिया जाता है कि तू तो ज़िंदा ही नहीं रहने वाला है आगे। एंड विद टाइम उसमें सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, चलने में दिक्कत हो रही है उसको, धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स काम करना बंद कर रहे हैं, मोटर फंक्शंस नहीं कर पा रहे वो, और विद टाइम इतनी बात बिगड़ जाती है कि वो बोल तक नहीं पाता है वो बंदा। तो उसके सपनों का क्या जो उसने सोचे थे, अब तो ये ऐसी कंडीशन है जो वो नहीं चाहता था उसके साथ हो, बट हो गई। तो क्या उसने वो सारे सपने छोड़ दिए अपने? अनफेयर, राइट? जो भी हुआ उसके साथ अनफेयर था, बंदा करना चाह रहा था कुछ, बट तुम नेचर कह लो, भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, उसने उसके साथ ऐसा किया। अब रिलेट करो तुम इसे अपनी कहानी के साथ। अभी तुम्हारे कुछ सपने हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ तुम्हारे गोल्स हैं, और तुम्हारे कुछ चैलेंजेस हैं। बट 90% ऑफ द चैलेंजेस जो तुम्हें अपने गोल को अटेन करने से रोक रहे हैं, ये तुम्हें भी पता है कि वो ऐसे चैलेंजेस हैं जो तुम चेंज कर सकते हो। तुम चाहो तो उन्हें बाधा नहीं बनने दे सकते हो। उन चैलेंजेस में क्या आएगा? सोशल मीडिया तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। पढ़ाई में मन लगना इज नॉट ए डिस्ट्रैक्शन, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। किसी का मन नहीं लगता है, वो तो पढ़ना पड़ता है। फिर भी हमारा ध्यान कहीं और चला जा रहा है, सोशल मीडिया की तरफ, बाकी चीज़ों की तरफ। एंड ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम चाहे डिसिप्लिन होकर इन चीज़ों को हटा सकते हैं। ये कोई उस डिजीज़ की तरह नहीं है कि उस बंदे को बोल दिया गया था और फिजिकली वो इनकेपेबल हो रहा था धीरे धीरे। ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज रूटीन एक्टिविटीज़। एंड इसी स्टोरी को अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। उस बंदे ने अपने पैशन को छोड़ा नहीं, स्टिल वो काम करता गया और दुनिया में बड़ी लेवल तक पहुँच गया वो अपने उस फील्ड में। ये कोई इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग सर। He was diagnosed with a motor neuron disease at the age of 21. And despite the deteriorating conditions with time, he never gave up on his goal, on his vision. Still, वो काम करते गए यार। इतनी theories उन्होंने दी, universe के बारे में ऐसी ऐसी information उनके द्वारा पता चली। Can you imagine the level of dedication जो उस बंदे के पास था? कि इतने challenges के बाद भी वो बंदा काम कर रहा है with one method or the other. इंटरनेट पे तुम जाना, उनकी बायोग्राफी देखना, तुम्हें पता चलेगा यार कि कैसे इस डिजीज़ के बाद भी वो अपना वर्क कंटिन्यू किया। फिर तुम खुद को देखो, तुम्हारे पास तो यार इतने चैलेंजेस भी नहीं है, इतने सीवियर चैलेंजेस। तुम्हें तब रियलाइज़ होगा कि जिन प्रॉब्लम्स को तुम इतना हवा बना के रखा है, वो यार कितनी छोटी प्रॉब्लम्स है। तुम चाहो तो उन्हें एक चुटकी में तुम उन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हो, अगर तुम मन बना लो, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं ना, डिसिप्लिन हो जाओ तुम, तो वो प्रॉब्लम्स तुम्हें कितनी छोटी दिखेंगी जब तुम उनसे बाहर आ जाओगे कि यार मैं इसको क्या हवा बना के रखा हुआ था, और उतना कुछ तो था नहीं है। तो आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड ये वैल्यूएबल तभी है जब तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे जो भी कुछ तुमने सीखा है आज की इस वीडियो से। तो यार आज के लिए इतना ही। टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।